हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए फिर आज हम सीखेंगे बर्ड्स नेम यानी पक्षियों के नाम। आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए देखे होंगे, तो चलिए फिर आज हम एक एक करके सभी पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पक्षी है। तो देखिए, सबसे पहले है पैरट। पैरट मतलब तोता। चलिए फिर इसकी स्पेलिंग देखते हैं। पी ए आर आर ओ टी पैरट। पैरट मतलब तोता। बहुत ही बढ़िया। तोता बहुत ही प्यारा होता है। ये हरे रंग का होता है और देखो तो इसकी चोंच कौन से कलर की है। इसकी चोंच लाल रंग की है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा पक्षी है। चलिए फिर अगले पक्षी की बात करते हैं। अगला पक्षी है कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। सी ओ सी के कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। बहुत ही अच्छा पक्षी है ये। देखो तो कितना प्यारा दिखता है। इसके सर पर कलंगी है और देखो तो इसके पीछे पंख भी है। बहुत ही अच्छे से हैं। तो ये है कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। अब आपको पता है कि मुर्गा और एक मुर्गी भी तो होती है। मुर्गी को क्या कहते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं मुर्गी। हैन। हैन मतलब मुर्गी। मुर्गी को हैन कहते हैं। देखो तो मुर्गी ने अपने हाथों में क्या ले रखा है। अरे वाह, ये तो मुर्गी के अंडे हैं। हैन। हैन मतलब मुर्गी। एच ई एन हैन। हैन। हैन मतलब मुर्गी। मुर्गी के हाथों में अंडे हैं। और ऐसे ही देखो, हमने बात की हैन। हैन मतलब मुर्गी। कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। तो अगर हैन के आगे पी लगा दिया जाए और कॉक के आगे पी लगा दिया जाए तो वो बन जाता है पीकॉक। और हम जानते हैं ना, पीकॉक मतलब मोर। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए फिर पीकॉक। पीकॉक की स्पेलिंग देखिए तो पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक। पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। बहुत ही बढ़िया। कॉक मतलब मुर्गा। पीकॉक मतलब मोर। और आप जानते हैं ना, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं मोरनी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरनी। मोरनी को क्या कहते हैं। पी हैन। पी ई ए एच ई एन पीहन। पीहन मतलब मोरनी। अब देखिए तो पीकॉक और पीहन में क्या डिफरेंस है। पीकॉक मतलब मोर और पीहन मतलब मोरनी। पीकॉक की बात करें तो मोर के बहुत ही घने पंख हैं, लेकिन मोरनी के पंख कम हैं, है ना। तो चलिए फिर अब चलते हैं अगले पक्षी की तरफ। अगला पक्षी है स्वान। स्वान की स्पेलिंग देखिए तो एस डब्ल्यू ए एन स्वान। स्वान मतलब हंस। वाओ, हंस जो है मोती चुगता है। बहुत ही अच्छा है। हंस जो है वो सफेद कलर का है और कितना प्यारा दिखता है। चलिए फिर अब बात करते हैं अगले पक्षी की। अरे वाह, ये तो बहुत ही नटखट सा पक्षी है। ये कौन सा पक्षी है। ये तो डक है। कितना प्यारा और कितना क्यूट पक्षी है। डक मतलब बतख। बतख तो आपने अपने आसपास किसी तालाब या पोंड में देखी ही होगी। तो चलिए फिर अब देखते हैं इसकी स्पेलिंग। डी यू सी के डक। डक मतलब बतख। बहुत ही अच्छी दिखती है। देखो तो येलो कलर की डक कितनी प्यारी दिख रही है। अरे अरे, ये तो कौवा है जो हमारे घर के आसपास देखने को लगभग मिल ही जाता है। क्रो। क्रो मतलब कौवा। ये तो काले कलर का होता है। ये तो काले रंग का होता है और का का करते हुए हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। चलिए फिर इसकी स्पेलिंग देखते हैं। सी आर ओ
W क्रो। क्रो मतलब कौआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसे तो हमने अपने घरों के आसपास देखा ही है। लेकिन पक्षियों में सबसे प्यारी कौन सी होती है जो हमें बहुत ही भाती है? बिल्कुल सही, जो सुबह सुबह चाँ चाँ करके हमारे घर पर आ जाती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, चिड़िया। स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। देखो तो, चिड़िया सुबह सुबह घर पर आ जाती है ना, कितनी प्यारी सी चिड़िया है। इसकी स्पेलिंग देखिए तो, S P A R R O W, स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। बहुत ही बढ़िया, स्पेलिंग साथ साथ आप दोहराते जाइए। अंत में क्या बसता है? अंत में बसता है पिजन। पिजन मतलब कबूतर। कबूतर तो आपने देखा ही होगा, है ना, ग्रे से कलर का होता है। पिजन। पिजन मतलब कबूतर। तो चलिए फिर पिजन की स्पेलिंग देखें तो, PIGEON, पिजन। पिजन मतलब कबूतर। देखो तो इसकी स्पेलिंग देखो एक बार फिर से, PIGEON, पिजन। पिजन मतलब कबूतर। तो देखो बच्चों, आज हमने इतने सारे पक्षियों के बारे में जाना है। सबसे पहले हमने देखा पैरट। पैरट मतलब तोता। पैरट की स्पेलिंग देखिए तो, PARROT, पैरट। पैरट मतलब तोता। उसके बाद हमने देखा कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। कॉक की स्पेलिंग देखिए तो, एक बार साथ साथ रिवाइज भी कर लीजिए, COCK, कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। तो बच्चों, आपने ये स्पेलिंग मेरे साथ साथ बोलनी है। चलिए फिर अब अगला देखते हैं। मुर्गा पढ़ लिया, उसके बाद बारी आती है हैन। हैन मतलब मुर्गी। HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गी। बहुत ही बढ़िया, और ऐसा ही हमने देखना है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। इसकी स्पेलिंग देखिए तो, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। अगली बारी आती है पीहन की। पीहन मतलब मोरनी। PEAHEN, पीहन। पीहन मतलब मोरनी। अगली स्पेलिंग देखते हैं स्वान की। स्वान। स्वान मतलब हंस। देखिए तो स्पेलिंग इसकी, SWAN, स्वान। स्वान मतलब हंस। अगली स्पेलिंग देखते हैं डक। डक मतलब बतख। चलिए फिर डक की स्पेलिंग बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोलिएगा, DUCK, डक। डक मतलब बतख। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही प्यारी सी है। चलिए फिर अब बात करते हैं क्रो की। क्रो मतलब कौआ। इसकी स्पेलिंग देखिए तो, CROW, क्रो। क्रो मतलब कौआ। अरे वाह, अगली बारी है चिड़िया की। स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। इसकी स्पेलिंग एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं पिजन। पिजन मतलब कबूतर। इसकी स्पेलिंग देखिए तो, PIGEON, पिजन। पिजन बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, तो इस तरह से हमने आज सभी पक्षियों के बारे में जाना है जो भी हमें अपने आसपास देखते हैं। तो इन पक्षियों के नाम आपको याद करने हैं और साथ ही साथ अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। तो चलिए फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे अगली कक्षा में। तो चलिए बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए।